जानिए बेडशीट का एक ऐसा इस्तेमाल दिखाऊंगी, यकीन जानिए आपने शायद ऐसा इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा होगा। तो मैं आज एक पुरानी बेडशीट का रीयूज़ करूंगी, जिससे हमारे चद्दर का रीयूज़ भी हो जाए और साथ ही हमारे घर के लिए एक ज़रूरी और अच्छी चीज़ भी बन जाए। तो मैं आज बना रही हूँ पुरानी बेडशीट से सोफ़ा कवर। आप पुरानी बेडशीट से जगह अगर आपके पास पुराने पर्दे पड़े हैं तो आप पुराने पर्दों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बेडशीट इस तरह डबल करके बिछा दी, इस तरह से ये डबल करके ये बिछा दी इस तरह से। अब मैं अपने पुराने अपने सोफे का एक पुराना कवर ले लूँगी नाप के लिए। तो मैं अब इस कवर को इस बेडशीट के ऊपर बिछा दूँगी। देखिए, मैंने पुराने सोफे का कवर अपनी बेडशीट के ऊपर बिछा लिया है। ये डबल है बेडशीट डबल, इस तरह से हमारे एक साथ दो पीस कट जाएंगे। तो मैं अब इसे निशान लगा लूँगी इसमें। देखिए, हमने नया निशान लगा लिया पुराने सोफे कवर इसके ऊपर रख के, हमने निशान लगा लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे, हमारे साथ एक साथ दो पीस कट जाएंगे, ऊपर ढकने के लिए और नीचे बिछाने के लिए। तो चलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए, हमने कट कर लिया अपना सोफा कवर और हमारे एक साथ दो पीस कट कर लिए हैं। ये देखिए, दो पीस कट हो गए हमारे। अब मैं इसे आपको सिलकर बताती हूँ। अब हम इसमें सिलाई करेंगे। अब हम इसके चारों तरफ उल्टी तरफ इस तरह सिलाई मार लेंगे। देखिए, अब सोफा कवर में जो हमने कटिंग का सोफा कवर कट करा था, ये हमने सारी चारों तरफ सिलाई लगा ली है इस तरह से, पूरे इसमें सिलाई लगा ली। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। अब हम इसमें ये लेस लगा लेंगे। ये लेस लिया मैंने जो हमने सिलाई करी है सीधी तरफ से इस तरह, सिर्फ ऊपर का हिस्सा छोड़ देंगे हम इस ऐसे से करके, इससे साइड में पूरे में नीचे वाले हिस्से में इस तरह लेस लगा लेंगे इस तरह। चलिए मैं आपको लेस लगा के दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने इसमें लेस लगा ली है इस तरह से। ये ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दिया सिर्फ, बाकी सारे इस तरह नीचे वाले हिस्से में सब में लेस लगा ली इस तरह से। अभी हमारा सोफा कवर बिल्कुल रेडी है। हमने दोनों पीस इसी तरह तैयार कर लिए हैं और अब हमारा सोफा कवर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे आपको सोफे पर लगाकर दिखाऊंगी।